आज नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021 का आयोजन 7 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। ADEO सेकेंडरी नीरज सिहाग ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इस दौरान सभी जगहों पर शांति से परीक्षा निपटी। इस परीक्षा के लिए जिले के 2,964 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया गया था। आज परीक्षा देने के लिए 1,841 परीक्षार्थी पहुंचे, जबकि 1,123 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित परीक्षार्थियों का प्रतिशत 62.11 रहा। उन्होंने बताया कि गुढ़ा में 273, खेतड़ी में 254, चिड़ाव में 366, नवलगढ़ में 328, झुंझुनू में 284, अलसिसर में 212 तथा बुहाना में 124 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इधर इस परीक्षा में बुहाना में अजीब स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर कुल 261 विद्यार्थी पंजीकृत थे। यहाँ पर उपस्थित परीक्षार्थियों के मुकाबले अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा रही। यहाँ पर 124 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे, जबकि 137 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आज NMMS का एग्जाम था, जिसमें NMMS के लिए हमारे जिले में 7 सेंटर बनाए गए थे और इसके लिए 2964 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इन 2964 विद्यार्थियों में से 1,841 विद्यार्थी जो है वो उपस्थित रहे और 1,123 बच्चे एबसेंट रहे। उपस्थिति का प्रतिशत रहा 62.41%। 7 सेंटरों की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा, जयसिंह गवर्नमेंट ग्रेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेतरी, राजकला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा, सेठ हनुमानदास मानसिंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावलगढ़, शहीद कर्नल जेपी जानू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, श्री जेके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलसीसर और श्रीमती चमेली देवी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुहाना। इन 7 जगहों पे हमारे सेंटर थे और जो हमारे जिले में जो जेके मोदी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो उसका नोडल केंद्र थे। एग्जाम जो है सभी केंद्रों के ऊपर जो है एग्जाम बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया।